सफर करने आप बिल्कुल, ये एक लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनेताओं को अपने विपक्ष से डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से नहीं, जेएमएम को आईएसयू से नहीं, सबको डर किससे है? जयराम महतो से। हमारी चुनाव जीतने या हारने से उन्हें डर नहीं है, उन्हें उस विचारधारा से डर है जो 23 सालों में उन्होंने एक व्यवस्था बना के रखी थी, उसे उस विचारधारा ने चुनौती दिया है। राजगंज में भी 3 बजे रात तक लोगों ने फील्डिंग की हमारी सभा में लोगों को आने से रोकने के लिए। अभी बाबूलाल मरांडी जी सभा कर रहे हैं, क्या आपने एक भी समाचार सुना है कि उनकी सभाओं में किसी ने व्यवधान उत्पन्न किया है? लोकतंत्र है, अपनी बातों को रखने के लिए सभी स्वतंत्र है। लेकिन आज राजगंज के बाद बागमारा की धरती में भी लोगों को यहाँ आने के रोका गया, चौक चौराहे में लोग मॉनिटरिंग किए कि सभा में नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक प्रदेश में, सॉरी लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक प्रदेश में भी अपनी बातों को नहीं रखने देने के लिए ये रोकने की जो साजिश चली जा रही है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक। बेंगलोर में किस तरह का सभा है दादा? जिस तरह बेंगलोर में जो हमारे प्रवासी लोग हैं, मुख्यतः जो इंजीनियर्स लोग हैं, मैं एक लाइन बताऊंगा। पंडित बाल गंगाधर तिलक का एक स्टेटमेंट था, उनसे किसी ने पूछा था कि अगर भारत आजाद हो गया तो अब क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम गणित पढ़ाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार वो भले इंजीनियर है, लेकिन आज राज्य को उनकी जरूरत है, आज उनके दिमाग की जरूरत है, आज उनकी स्ट्रेटजी की जरूरत है इस राज्य को। इसलिए उन लोग से हम लोग भी कुछ गुण, कुछ रहस्य, कुछ जानकारी, कुछ स्ट्रेटजी तैयार करने उनके साथ जा रहे हैं। सुनने में आता है कि जो बांग्लादेश के लिए भी आपको आमंत्रण किया जा रहा है, क्या सही है? हाँ, ये भी सही है, लेकिन चूंकि वो अन्य देश का मामला है, वहाँ संस्कृति का विषय है, चूंकि बांग्लादेश संस्कृति के आधार पर ही अलग हुआ था भले, तो इसलिए वहाँ से भी आया था, लेकिन वहाँ के लिए हम लोग फिलहाल अपने राज्य में और हमारे जो राज्य के प्रवासी जहाँ है वहाँ भी हम लोग सभाओं को करेंगे। रामगढ़ के वो पूर्व विधायक प्रत्याशी है, आपका मैं सवाल का उत्तर देना चाहूंगा कि आज एक कहावत है ना कि अगर आपको हाईलाइटेड होना है तो क्या अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को गाली दीजिए, आप उसके पैरेलल में हाईलाइट हो जाएंगे। तो अभी एक संकीर्ण और घृणित मानसिकता है, उनको बोलिए कि जो लोग सरकार में बैठे हैं उनकी आलोचना कीजिए, जो लोग विधायक सांसद बने हैं उनकी आलोचना कीजिए, जो लूट है, भ्रष्टाचार है, उस पर आलोचना कीजिए। जयराम महतो पे आलोचना तब कीजिएगा जब हम लोग कभी संवैधानिक दायित्व पर आएंगे, इसलिए उन पर बात मत कीजिए। वे लोग संकीर्ण घृणित मानसिकता के लोग हो सकते हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, वे लोग भी फले फूले, हमारी शुभकामनाएं। शिक्षा को लेकर एक सवाल है, दिल्ली का सरकारी स्कूल पूरा देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन झारखंड का नेता स्कूल, सरकारी स्कूल छोड़ के अपना स्कूल खोल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी हमारे नेतागण है वो एक बहुत बड़ी पूंजी लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए, इस बात को हमको मानना होगा। जब वो एक बहुत बड़ी पूंजी लगाते हैं तो उस पूंजी को फिर से वो वापस पाना चाहेंगे, और वापस पाने के लिए उन्हें कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने होंगे जिससे जनता का पैसा उनके पास आए, क्योंकि जनता को उन्होंने पैसा दिया है, उन्होंने जनता को पैसा दिया है चुनाव में, 500 दिया चाहे मुर्गा दिया चाहे दारू दिया है। अब उस पैसे को वापस लाने के लिए वे लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को मजबूती करते हैं ताकि जनता का पैसा प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जनता का पैसा नहीं जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में जब वो पैसा आएगा, और आप सही बात है, जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, शिक्षण संस्थान है, चाहे वो बीएड कॉलेज है, जो भी रहे, उनमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो कोई रहे, किसी भी क्षेत्र का रहे, उनकी हिस्सेदारी होती है या मालिक होते हैं। रोक लगना चाहिए इसका एक विधेयक बनना चाहिए विधानसभा के भीतर, केंद्र में बनना चाहिए, शिक्षा नीति बननी चाहिए जिसमें से गाइडलाइन का अनुपालन करवाने के लिए, जैसे हम लोग गाइडलाइन अनुपालन करते हैं कि सांसद विधायक लाभ के पद पर नहीं होगा तो उनका भी कोई स्कूल कॉलेज के नाम पे नहीं होगा। सीधा महिलाओं से पूछा कि संसद का नाम बताइए तो नहीं जानते। सही बात है, वे लोग आते ही नहीं है, वे लोग ना यहाँ आते हैं ना दिल्ली में सवाल करते हैं, वे 5 साल अपना पार करते हैं। और बोलिए बाकी सबको जोहार, मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, चूंकि आज बागमारा की धरती है, मैं चाहूंगा हमारे बयान को लेने के बाद यहाँ जो विस्थापन की समस्या है, यहाँ जो पर्यावरण की समस्या है, यहाँ जो कोयला पर जो कब्जे की समस्या है, उस पर भी आप लोग अपने न्यूज़ चैनल में स्थान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जोहार। और अगर हम लोग से कोई त्रुटि हो, चूंकि आप लोग मीडिया जगत से लोग आते हैं, उस त्रुटि को हम लोग को सजेस्ट कीजिएगा, हम लोग स्वीकार करेंगे। जोहार। जाप दिया।